तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक सीक्रेट कोड के बारे में बताएंगे कि आप जिसके बाद फ्लाइट मोड में इंटरनेट चला सकते हैं। फ्लाइट मोड में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यूज़ कर रहा हूँ यार, फ्लाइट मोड भी है और डेटा भी एनेबल है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये आप भी कर सकते हैं गाइज। तो ये कैसे करना है, तो आपको क्या करना है इसके लिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यार अपने दोस्तों में। तो क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करता है, कभी कभार आप पबजी खेलते हैं और आपका बीच मैच आता है कॉल और फिर आपको मुश्किल हो जाती है यार, आपका पबजी कुछ फोनों में तो लैग भी हो जाती है यार। तो क्या करना है, आप ये सी वीडियो देख सकते हैं, तो यहाँ पे बताऊंगा कि ये फ्लाइट मोड में आप इंटरनेट कैसे चला सकते हैं यार। आपका दूसरा तरीका भाई यार है, लेकिन पबजी में जो है आप वाईफाई खेले फ्लाइट मोड करके, लेकिन यहाँ पे ये ईजी तरीका, अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो ये ईजी तरीका है अपने डेटा को यूज़ करें फ्लाइट मोड में। और यहाँ पे आपको पता होगा कि जियो फोन में, जियो सिम में तो यहाँ पे एक फीचर है, अगर आप फ्लाइट मोड में उसके बाद ऑन भी करेंगे तो उसका पता चल जाएगा आपको कि किसने आपको कॉल किया, और जिसने कॉल किया उसका भी पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे वो अब अवेलेबल है कॉल करने को। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि ये आप जियो सिम पे ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई और सिम है तो फिर यहाँ पे उतना वहाँ पे तो मुझे नहीं लगता कि आता है ये मैसेज अलर्ट, लेकिन जियो में ये अलर्ट आता है कि अब इसने आपको फ़ोन किया था, इस बंदे ने या बंदी ने आपने आपको फ़ोन किया था, तो उसके बाद ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाली। तो यहाँ पे बिना टाइप के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है डायलर यहाँ होता है, ये हर किसी फ़ोन में रहता है यार, कीपैड में भी रहता है यार, वहाँ पे तो नहीं रहता है, वहाँ पर आप सीधे डायल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ओपन करना है, यहाँ पर एक कोड लिखना है आपको। यहाँ पे आप कोड, ये कोड देखिए, 4 4 4 6 3 6 ##, आपको फिर से स्टार डालना, मैं नहीं डालूंगा क्योंकि यहाँ पर यहाँ पे आप कुछ रीजंस के बारे में, सिक्योरिटी रीजंस के बारे में नहीं डालूंगा, क्योंकि इसके बाद जब आप डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे आना है, और नीचे जाने के बाद आपको रेडियो पावर आप जाना है, रेडियो पावर में जाने के बाद उसको एनेबल करना है वहाँ पे। उसके बाद आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, अगर वहाँ से आपको ये नहीं हुआ अनेबल, उसके बाद आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करने, वहाँ पे आपको मिलेगा एनेबल जो है डेटा कनेक्शन। तो एनेबल डेटा कनेक्शन में आपको क्या करना है, उसके बाद एनेबल करने के बाद आपको बैक आ जाना है, उसके बाद आप कुछ भी चलाए तो आपका इंटरनेट चल जाएगा गाइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे दूँ यार, कुछ ऐप यहाँ पे पबजी खेल लेता, लेकिन यहाँ पे ये गेमिंग चैनल नहीं है, यहाँ पे पबजी नहीं करूँ, तो यहाँ पे ये 0 KBPS दिखा रहा है, क्योंकि यार मैं यहाँ पे यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, कोई एप्लीकेशन और कोई यहाँ पे ओपन नहीं है। फॉर एग्जांपल यार गूगल पे कुछ लिख लेता हूँ, हाईटेक विथ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हाईटेक, मैं अपना चैनल ही सर्च करूँगा यार। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पे आ गया यार, देखिए मेरा चैनल आ गया यार, आप देख सकते हैं गूगल मेरा चैनल आ गया। तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं यार, पहले तो बताया ही नहीं लेकिन अब बताया हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे यार लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज पर फॉलो करें हमें वहाँ पे भी उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं गाइस। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक है, अगर आप पबजी खेलते हैं तो फिर आपके अब क्या होगा कि अगर आप पबजी खेलेंगे ना तो आपको क्या बीच में कॉल आ जाता है, तो उसके बाद आपका फोन जो है लैग हो जाता है, पबजी लैग हो जाता है, और अगर आप लास्ट मिनट में पबजी का जो एंड चल जाता है ना, लास्ट जोन में अगर आपको ये कॉल आ जाएगा तो बहुत ही देने पड़ जाता है यार। इसके बाद तो मैं क्या कहूँ यार, ये तो आप समझ जाएंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे वीडियो आप लास्ट तक देख लिया गया आपने, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।